आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस को पता करने वाले हैं। दोस्तों क्लास 10th में चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों उस चैप्टर में हमें एसिड बेस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारे पास एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और एक रेड कलर का लिटमस पेपर है। दोस्तों लिटमस पेपर से हम एसिड बेस को पता कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसिड और बेस के कुछ एग्जांपल भी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को काफी हेल्प होगा इस वीडियो से। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर हमारे पास एक रेड कलर का लिटमस पेपर है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। एसिड है इसलिए ए लिखा है, बेस इसीलिए मैंने बी यहां पर लिखा है। ये दोस्तों अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं एसिड बेस के बारे में। पहले मैं बता देता हूं, ये मेरे पास एक HCl है और ये दोस्तों जो है डिटर्जेंट पाउडर है। आपको स्क्रीन पर हो रहा होगा कि आपके घर में एसिड कौन कौन सा चीज और बेस कौन कौन सा चीज है, तो आप लोग लिटमस पेपर की सहायता से चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारा लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर, बेसिकली रेड अगर लाल लिटमस पेपर को नीला में कन्वर्ट कर दे, यानी रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में हो जाए तो दोस्तों हमारा बेस होता है। बट अभी इसको जो है मैं एसिड में डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों एसिड में डालने से अभी आपको मैं दिखाता हूँ कुछ नहीं होगा। देखिए इसको मैंने एसिड में डाला दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लाल लिटमस पेपर नीला में कन्वर्ट करना होगा। तो अब मैं आपको दोस्तों जो है इस लिटमस पेपर को बेस में डालता हूँ। लाइव प्रूफ दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर जो है मैंने बेस में डाला हुआ, ये देखिए दोस्तों हमारा जो लिटमस पेपर है दोस्तों वो नीला हो गया। इसका मतलब इसमें बेस है, इसीलिए दोस्तों जो हमारा लिटमस पेपर है वो नीला हो चुका है। अब दोस्तों जो हमारे पास ये लिटमस पेपर है ये ब्लू है। अब दोस्तों अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो दोस्तों ये हमारा जो होगा वो हमारा एसिड होगा। पहले मैं आपको इसमें बेस में डाल के दिखाता हूँ, कहीं इसमें दोस्तों जो है बेस पे काम तो नहीं कर रहा है, ये लिटमस पेपर ख़राब तो नहीं है। दोस्तों देखिए ये हमारा लिटमस पेपर जो है ख़राब नहीं है, इसीलिए अभी हम लाल नहीं हुआ है। अब हम इसको दोस्तों जो है एसिड में डालते हैं। तो इधर से मैं पकड़ लेता हूँ दोस्तों, ये HCl है। आप नींबू का यूज़ करिए, साइट्रिक एसिड एग्जांपल आपके सामने है, जो पसंद आए उसका यूज़ करिए। ये देखिए मैं, देखिए एसिड को मैं टच नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा हाथ जलेगा नहीं। दोस्तों मैं बता दूँ कि ये HCl है, ज़्यादा पावर का HCl नहीं है। दोस्तों एकदम लाल हो गया आपके सामने, दोस्तों जो एकदम लाल हो गया दोस्तों ये लिटमस पेपर। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। हम लोगों ने दोस्तों टेस्ट किया था जो लिटमस पेपर है दोस्तों, अब ये तो हम लोगों ने बेसिक था, ये बेस में हम लोगों ने डाला तो ब्लू कलर का हो गया। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये लिटमस पेपर ख़राब हो गया, तो नहीं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने टेस्ट किया था इसलिए थोड़ा लाल आ गया है। अब ये दोस्तों देखिए ये रेड लिटमस पेपर, इसको मैं बेस में डालूंगा दोस्तों, तो है ये देखिए अभी उतना असर नहीं कर रहा है। अब दोस्तों ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर बन गया, तो हम लोग इसको एसिड में डालते हैं। ये देखिए एसिड में हमने जीव ही डाला, तुरंत दोस्तों जो है इसका कलर चेंज हो गया और ये हमारा दोस्तों जो है लिटमस पेपर। अब दोस्तों ये हम जो है इस रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू में डालते हैं। तो अभी दोस्तों जो है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। बस होता क्या फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े जो मात्रा बचे रहती है तो ब्लू लिटमस पेपर कभी कभी बेस भी बता देता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हर एक लिटमस पेपर फेंके मत, यूजेबल हो सकता है।